हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्फिटेंस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इन्फिटेंस चैनल में। मैं आज रेडमी नोट 12 प्रो प्लस 5G का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, जो कि सामने आप देख रहे हैं। बॉक्स का जो कलर है वो ब्लैक कलर है और इस पे बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर से लिखा हुआ है नोट 12 प्रो प्लस। आप देख सकते हैं इसके टॉप में देख ले तो 200 मेगापिक्सल OIS कैमरा है और राइट साइड में MI का ब्रांडिंग किया हुआ है। यहाँ पे नोट 12 प्रो प्लस लिखा हुआ है। नीचे देख ले तो रेडमी नोट 12 प्रो प्लस 5G लिखा हुआ है और 200 मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैमरा विथ OIS 120 वाट हाइपर चार्जर टेक्नोलॉजी के साथ ये आता है। इसमें अगेन ब्रांडिंग किया हुआ है रेडमी नोट 12 प्रो प्लस 5G रेडमी बाई Xiaomi। फिर पीछे देख लें तो इंडिया नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड, इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड स्मार्टफोन ब्रांड है। फिर IOSA का सर्टिफिकेशन दिया हुआ है जो पैन इंडिया कवरेज है। मैं इस मोबाइल को एक्सचेंज में मंगवाया था। मैं इसके पहले MI 10T प्रो यूज़ कर रहा था, तो मैंने इसको एक्सचेंज में डाला था। इसका एक्सचेंज MI 10T प्रो का एक्सचेंज वैल्यू 13,500 दिया था, बट एक्सचेंज के लिए जब आया तो मोबाइल को मैंने जब फॉर्मेट किया तो उसमें इशू हुआ, मोबाइल ऑन नहीं हुआ, तो मुझे एक्चुअल अमाउंट जो है वो मुझे पेमेंट करना पड़ा। तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसका कैमरा कैसा है। इसमें आप देख सकते हैं टॉप में रेडमी नोट 12 प्रो प्लस 5G का ब्रांडिंग किया हुआ है। 200 मेगापिक्सल OIS है, 120 वाट हाइपर चार्जर टेक्नोलॉजी दिया हुआ है जो 4980 मिली एम्पियर का बैटरी के साथ आता है। डॉल्बी ऑडियो एटम्स है, 120 हर्ट्ज एमोलेड 1 बिलियन कलर्स है। फिर इसमें आपको मीडिया टेक डेस्टिनी 1080 आता है जो कि 10 5G ब्रांड सपोर्टेड है। प्लस IP53 रेटिंग है, डस्ट एंड स्प्लैश प्रोटेक्शन है इसमें। 3.5 mm हेडफोन जैक है, प्लस लार्ज वेपर चैम्बर कूलिंग है फॉर इन्हांस परफॉर्मेंस के लिए। फिर मेड इन इंडिया है और नीचे आप पार्ट्स नंबर। चलिए मोबाइल को अब अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें मिला है। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद इस बॉक्स में एक इजेक्टर टूल है, प्लस एक कवर है जो मोबाइल का प्रोटेक्ट मोबाइल को प्रोटेक्ट करेगा। इसमें आई होप सो यूजर मैनुअल है। मोबाइल को पहले हम साइड में रख लेते हैं, उससे पहले देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है। बॉक्स में आप देख सकते हैं 120 वाट का चार्जर है जो कि बहुत ही बड़ा चार्जर है नॉर्मल चार्जर से। 120 वाट इस पे मेंशन भी है, आई होप सो ये जल्दी से चार्ज कर देगा और अच्छा क्वालिटी है। अब इस चार्जर के साथ एक डेटा केबल है जो कि चार्जर में अटैच होगा। आप चाहें तो इस डेटा केबल से डेटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये मल्टीपर्पस यूज में आता है। ये जो बॉक्स के साथ जो डेटा केबल मिलता है वो काफ़ी अच्छा होता है, जिससे डेटा ट्रांसफ़र फास्ट होता है। अब मोबाइल को ओपन करके देख लेते हैं। मोबाइल का मैं सेटअप मीनवाइल में कर लिया था, तो आप देख सकते हैं सेटअप करने में कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए होंगे सेटअप करने में, क्योंकि अभी तक बहुत सारे मोबाइल आप लोगों ने चेंज कर दिया होगा। देख सकते हैं मैंने आर्टिक वाइट कलर में मंगाया था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इसका थिकनेस अच्छा है। और स्पेशली जो स्क्वायर में मोबाइल दिया है वो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है इसको देखने में भी, प्लस पकड़ने में भी। आप देख सकते हैं पीछे टाइप सी चार्जर का दिया हुआ है, एक स्पीकर का है, माइक का है और सिम ट्रे है इसमें। इसका बैक पैनल काफ़ी खूबसूरत है, ग्लॉसी लुक है। इसमें टोटल 3 कैमरा है, 200 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल।
आप चाहें तो फ्लिपकार्ट जाकर इसका सारा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। मैं कैमरा आपको ऑन करके दिखा देता हूँ कैमरा क्वालिटी क्या है। कैमरा क्वालिटी अच्छा है। काफ़ी परफॉर्मेंस बेस्ड है, आप उसमें जा सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मेरे इस चैनल पे प्रोजेक्टर और होम थिएटर 5.1 चैनल का भी वीडियो है।